राजस्थान से हैं अमनदीप, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी अमनदीप जी, सवाल कर लीजिए। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, टीवी में मत सुनिए, फोन से बात कीजिए। मैम फोन पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से सवाल कर लीजिए। हाँ जी, मैं कुछ टाइम पहले जैसे मेडिकल नशा करने लग गया था, हाँ ठीक है। तो मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे अब उसे छोड़ना है तो क्या करना होगा। उम्र क्या है आपकी? मेरी 24। देखिए, छोड़ने के लिए तो आपकी नियत काफ़ी है, आपका हौसला, आपका अज़्म काफ़ी है, और फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो ये फिटकरी होती है ना, फिटकरी आप जानते होंगे, नाई शेप बनाने के बाद ऐसे लगाता है एक सफ़ेद सफ़ेद सी फिटकरी। जब भी आपको उसकी याद सताए नशे की, तो फिटकरी ऐसे रखें और ज़बान से ऐसे चाट लें, बस एक बार, जब भी आपको याद सताए, तो इससे आपकी वो आदत छूटना मुमकिन है। जी, गोरखपुर से हैं अर्पिता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, मैम मेरा दो तीन क्वेश्चन है। पूछिए। सबसे पहले मैम, तो मेरे हेयर फॉल एंड हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम है मैम। और दूसरा, मेरे फेस पे पिंपल होते हैं, और वो पिंपल तो थोड़े बहुत ठीक हो गए हैं, बट वो छेद छेद टाइप का निशान हो गया है बहुत। ठीक है, और तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मैम, मेरी कमर में बहुत दर्द होता है और सफेद पानी का प्रॉब्लम है। आपकी उम्र क्या है? 23 इयर्स मैम। ठीक है जी। अच्छा बच्चा, देखो आपकी तीनों प्रॉब्लम का एक घरेलू नुस्खा है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। जिन बच्चियों को भी वहाँ से निकलते हों, निशान पड़ गए हों, छीपे हों चेहरे पर, निशानात हों, वहाँ से पिंपल्स निकलते हों, बाल झड़ते हों, या वाइट डिस्चार्ज की वजह से कमर में दर्द हो, याद रखें वाइट डिस्चार्ज की वजह से कमर में दर्द हो, तो उन्हें चाहिए 1 ग्राम सफ़ेद गौन मोरिंगा पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, या नारियल पानी में मिलाकर, तीनों में से किसी में मिलाकर लें, जैसे आपके हालात हों। देखिए नारियल पानी काफ़ी महंगा आता है, तो नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, दूध में, दूध भी बहुत महंगा आता है, पानी में, पानी तो सस्ता आता है, मिलाकर 1 ग्राम लीजिए। लेकिन गौन मोरिंगा असली लेना आपकी ड्यूटी है, ये नकली बहुत मिल रहा है, लाल जैसा दे देते हैं, पीला जैसा दे देते हैं, ये असली गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना आपकी जिम्मेदारी है। 100-200 ग्राम खरीद लें, आपके बालों पर भी ये काम करता है और आपकी सारी बीमारियों को इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, देहरादून से हैं सोनी कुमार सैनी जी, स्वागत है आपका। हेलो सोनी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप टीवी में मत सुनिए। हेलो, आपका ही सुन रहा जी, आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए, सवाल कर लीजिए, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ जी, मैं तो हेलो आ रही जी, आवाज आ रही जी? हाँ बोलिए। तो मैं, हाँ जी, हाँ जी आ रहे जी, आवाज आ रहे, पूरे आवाज आ रहे। आगे नहीं, आपका बोलिए। ही सुन रहा हूँ मैं। अच्छा आगे बोल मैं, लीजिए अब आप। हाँ जी, मैं नीम के पत्ता और ये पत्ता और ये कोलगेट बनाना चाहता, जैसे मुंह धोने के लिए, जैसे ब्रश करने के लिए ना। तो नीम का क्या क्या चीज यूज करना पड़ेगा जैसे? नीम का पत्ता लीजिए, और बहुत सारा लेना पड़ेगा, ये सूख के ज़रा सा हो जाता है, जैसे आप 300 ग्राम लेंगे तो 50 ग्राम हो जाता है सूख का। नीम का पत्ता मिले, नीम का फूल मिले,
नीम की चाहे छाल मिले, लकड़ी जो होती है ना ऊपर की जिसे छाल कहते हैं, इनको पाउडर बना लीजिए 100 ग्राम। और ये जो अखरोट आता है, अखरोट का छिलका 100 ग्राम, इसका भी खूब बारीक पाउडर बना लें। और इसमें इन 100 100 ग्राम लें और इसमें 20 ग्राम मिला दीजिए खाने का सोडा, और फिर इससे आप मांजा करिए दांत, आपके दांत मजबूती में बेमिसाल हो सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बनानी वैसे ही हैं जैसे अभी हकीम साहब ने आपको बताई हैं। दर्शकों, अगर आप लोग कोई नुस्खा या तो लिख नहीं पाते हैं या फिर आप लिखते लिखते भूल जाते हैं, तो आपको करना क्या है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। कोई भी नुस्खा अपने आप बिल्कुल मत बनाइएगा, बिल्कुल भी खुद से ऐसे मत सेवन कीजिएगा कि इतने ग्राम सेवन कर लिए, इतने ग्राम सेवन कर लिया। अपने आप से कोई भी कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नुस्खे का सेवन आपको करना कैसे है, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए दर्शकों, हम लोगों ने 24 आवर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर आप सभी के सामने एक चल रहा है, आप कॉल कीजिए इस पे, जानिए कि नुस्खा कैसे बनता है, रॉ मटेरियल असली है या नकली है जो मार्केट में मिल रहा है, या फिर आप लोग हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर पर ही आपको कॉन्टैक्ट करना है। बात नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका मेघा जी। जी मुझे, हेलो जी बोलिए। मुझे अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसे बिना सर्जरी से कैसे ठीक कर सकते हैं? आपकी उम्र क्या है? 20 साल। अपेंडिक्स बता रहे हैं आप? जी अच्छा बेटा, ये ऑपरेशन के बगैर भी ठीक हो सकता है, लेकिन आप समझ लें नुस्खे को। एक तो जब भी दर्द होगा तो आपको वही दवा लेनी पड़ेगी जो आप लेते हैं डॉक्टर्स की, वही दवा लें, ठीक है। अब एक आती है देखो अलसी। अलसी तो सभी महिलाएं जानती हैं, आप नहीं जानती तो मम्मी से पूछ लेना, नहीं तो आप तो सर्च भी कर सकते हैं। अलसी सस्ती दवा है, 400 500 ग्राम अलसी खरीद लें और इसको हल्का सा भून के पाउडर बना के घर में रख लें, ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा ही भूनना है। अब इसको पाउडर बना के रख लिया आपने, अब आपको लेना है नमक जैतून। नमक जैतून असली लेना ज़रूरी है, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है, जैसे आपके किचन के डब्बे में नमक भरा हुआ होता है ना, या सोडा भरा हुआ होता है सफ़ेद सफ़ेद देखने में, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन खाओ तो नमकीन नहीं होता, हल्का सा कड़वापन होता है, ठीक है। अब आपको 1 चम्मच अलसी लेना है और 1 अलसी का पाउडर, और 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए इसमें मिक्स करके आप रोज़ाना 1 बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार खाने से पहले खाया करें, भूल जाएं तो खाना के बाद भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और पानी पिए खूब, दिन में 5 बार गर्म, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं उर्मिला जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। हकीम जी को भी नमस्कार। जी आदाब, हेलो। जय हिंद जय हिंद। सर मेरी माता जी हैं, मम्मी है मेरी, उनकी उम्र है 85 साल। उनको शुगर भी है, बीपी भी है, उनको पथरी है मैडम, उसमें क्या बोलते हैं पित्त की थैली में, ठीक है। और उनको सांस की भी बीमारी है, और वो दवाई खाती हैं एलोपैथी सारी, लेकिन उनकी जीभ फटी फटी है और उसमें दाना पड़ा हुआ है, तो और गले में आज 1 हफ्ते से गले में काफी जकंदर, पानी नहीं निकला जा रहा, और मतलब सांस का भी पंप लेती हैं, गोली भी खाती हैं, तो क्या करें जो सारी दवाइयों का। एक और मैडम एक सवाल और है, मेरा जी। भतीजा है 10 साल का है, और वो बाथरूम कर देता है बिस्तर में, ठीक है। तो हाँ उसका क्या करें। तीसरा सवाल है मैडम, मेरा बेटा है करीब, उसकी उम्र है 35 साल,
और उसको थायराइड है, तो उसके लिए क्या करें मैडम? वो बाहर से दवाइयां खाता है, कभी तो बिल्कुल सूख जाता है और कभी थोड़ा मोटापन हो जाता है उसको, तो क्या करें जो उसको आराम मिले? जी पहले बेटी की बात कर लेते हैं। देखिए जो भी दवाई उसकी चल रही है वो तो छोड़े नहीं, और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो मैं उसका बता रहा हूँ वो शुरू करेंगे तो 2 महीने बाद वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इससे अगर आपको निजात चाहिए तो वो दवा खाते रहें। और लिख रहे हैं आप तो बहुत अच्छा है, 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला और धनिया, 100 ग्राम आंवला, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम सफ़ेद गौंद मोरिंगा। अच्छा बाकी तो सब आप चीज़ें जानते ही हैं, लेकिन सफ़ेद गौंद मोरिंगा आप नहीं जानते, ही नकली बहुत मिलता है। सफ़ेद वाला लें, असली वाला लें, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये भी 100 ग्राम लें और पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह उस गोली के बाद, उस गोली के साथ, उस गोली से पहले जो डॉक्टर ने दी हुई है ले लिया करें गर्म पानी से, और 1 चम्मच रात को सोते समय। 7-8 महीने इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। मम्मी का क्या बताया था? मम्मी को शुगर भी है और मुंह में छाले भी हैं, कुछ भी खाती हैं तो दिक्कत परेशानी होती है, पेट में भी दिक्कत है उनको। अच्छा देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको जो भी बीमारी होती रहे उसका इलाज करते रहें, कोई भी इलाज छोड़ नहीं सकते इस उम्र में। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा मेन है और वो कंट्रोल बड़े मुश्किल से आते हैं, क्योंकि उनके स्टेरॉइड चल रहा है, जो दवाएं चल रही हैं वो स्टेरॉइड है, वो पंप भी स्टेरॉइड होता है तो उसे रोक भी नहीं सकते। अगर आप बहुत पहले हमें कांटेक्ट करते तो हम बहुत ज़्यादा मदद कर पाते। और उनका ऐसे ही ख्याल रखिए, आप चाहें तो जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह और शाम खाने के बाद गर्म पानी में मिला के दिया करें, इससे उनको काफ़ी राहतें होना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए राहत ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए नुस्खे आपको अपनाने होंगे। हकीम साहब एक सवाल इनका ये भी था कि इनका बच्चा जो है वो बिस्तर पे पेशाब कर देता है, 10 साल का बच्चा है। हाँ याद आ गया जी, गजक रेवड़ी ये सब चल रही है, खूब खिलाया करें इनको रात के समय। रेवड़ी गजक आती है ना, ये खूब खिलाया करें। और रात को सोते समय 2 अखरोट अपने हाथ से तोड़ें, उनका ताज़ा ताज़ा मग़ज़ निकालें, उनकी गिरी निकालें और 10 किशमिश रोज़ाना रात को सोते समय खिलाया करें। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी मगन सिंह हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ मगन सिंह जी, सर प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है मेरे को नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, आपकी उम्र क्या है? 54 साल। और ये नींद कब से नहीं आ रही है? ये कम से कम बोले 1 साल आती है, कम बहुत कम आती है। ठीक है जी। नींद के लिए जैतून का सिरका 4 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें, अगर आपको शुगर है तो। शुगर नहीं है तो 1 मुट्ठी भर के अंगूर खा के सोया करें। अगर वो भी नहीं ले सकते, अंगूर का ज़माना ना हो, अंगूर की हैसियत ना हो या कोई और परेशानी है, तो 1 मुट्ठी शक्कर खा के सोया करें। शक्कर चीनी, चीनी के भी हालात नहीं हो तो 100 ग्राम गुड़ खा के सोया करें, आपको खूब अच्छी नींद आएगी। और शुगर वाले जैतून का सिरका पी के सोया करें, नींद आपको खूब आएगी गफलत की और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।